हेलो गाइस एंड वेलकम टू अ सीरीज ऑन ऑफिशियल फिजिक्स। हम सुमित एंड हम साथ में रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर्स में भाई रिफ्रैक्शन का प्लेन सर्फेस और स्फेरिकल सर्फेसेस के थ्रू रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इमेज डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, भाई फोकस से कैसे पास होती है, ये सारी चीज़ें देखी। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है और जो फिनोमेनाज होते हैं लैटरल शिफ्ट, लॉन्गिट्यूडिनल शिफ्ट, अपेरेंट डेप्थ, ये सारी चीज़ें से डील करा। आज हम देख रहे हैं रे डायग्राम्स। जिस तरह हमने रिफ्लेक्शन में रे डायग्राम्स पढ़े थे उस तरह हम रिफ्रैक्शन के भी जो लेंसेज के थ्रू कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस होते हैं उनके रे डायग्राम्स देखेंगे, जिससे रिफ्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाती है, हमको चीज़ें और क्लियरली समझ में आने लगती है। तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, अगर आपको दिया रहेगा भाई पैरेलल ले आ रही है, तो आप जब वैसे ड्रॉ करोगे तो कई बार क्वेश्चन में आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है उससे, राइट। तो देखते हैं रे डायग्राम्स। जिस तरह हमने भाई रिफ्लेक्शन में कुछ इनिशियली बेसिक रूल्स देखे थे, उस तरह रिफ्रैक्शन के भी कुछ रूल्स होते हैं, क्या होते हैं देखते हैं। अगर कोई लाइट रे पैरेलल है तो दैट विल पास थ्रू फोकस। डाइवर्जिंग लेंस के केस में आप देखिए, वो डाइवर्ज हो रही है, तो आप जब उसको बैक ट्रैक करोगे तो वो फोकस से, वो जिस पॉइंट से पास होगी दैट विल बी फोकस। कन्वर्जिंग लेंस के केस में जिस पॉइंट से पास हो रही है दिस इज फोकस। तो ये हो गया अगर पैरेलल रे आ रही है तो। अब इसका उल्टा भी सही होगा, अगर कोई रे फोकस से आ रही है, राइट, तो दैट विल बिकम पैरेलल। कोई रे फोकस से आ रही है तो दैट विल बिकम पैरेलल, राइट। सेकेंड लॉ क्या है, अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर, मतलब जिस तरह रिफ्लेक्शन में मिरर के केस में पोल होता है, उसी तरह उसी पोल का एनालॉगस लेंस के केस में होता है ऑप्टिकल सेंटर। ये पॉइंट है ऑप्टिकल सेंटर। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो दैट रे विल पास अनडिविएटेड। सेकेंड वो रॉ हम डिस्कस कर ही चुके हैं, उसका वाइस वर्सा, अगर कुछ फोकस से पास हो रहा है कोई रे, वो पैरेलल हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये रे आ रही है, ये पैरेलल हो जाएगी, ये फोकस से पास नहीं हो रही है, लेकिन आप इसको जब आगे करोगे तो आप देखोगे ये फोकल लेंथ इस फोकस से पास हो रही है, राइट। तो दिस इज इन केस, ये केस अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाती है। तो ये तीन लॉज हैं, इन्हीं तीनों चीज़ों की मदद से हम रे डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। पहला क्या डायग्राम है, कॉन्वेक्स लेंस देख लेते हैं। कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग लेंस, राइट, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। दोनों सरफेस कॉन्वेक्स हैं, बाहर के कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। अगर लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं तो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ये लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं, ठीक है, ये पैरेलल हैं, दिस विल पास थ्रू फोकस। तो ये आपका पहला हो गया। अब इसमें आपका क्या है, जैसे हमने लास्ट रिफ्लेक्शन के वीडियो में आखिरी में एक टेबल देखी थी कि जिसमें सारी चीज़ें कंसाइजली थी, तो जैसे जैसे मैं बताते रहा हूँ आप कॉपी में वो टेबल बनाने की कोशिश करिए, ठीक है। वो सेम टाइप की टेबल आप अपने अपने उसमें अपने नोट्स में लिखते जाइए, राइट। सेकंड केस क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में रखा है, ये इन्फिनिटी है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, 2f के बराबर होता है, राइट। तो लेंस कहाँ फॉर्म होगी, तो एक लाइट रे ले लीजिए आप जो पैरेलल है, सेकंड ले लीजिए जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। दोनों जब मीट करेंगी तो पॉइंट बी पे कहीं मीट करेंगी, जो आपका इमेज बन रही है दैट इज ए डैश बी डैश, ए बी की इमेज ए डैश बी डैश बन रही है, ये बन रही है 2f और f के बीच में, राइट। थोड़ी सी डिमिनिश्ड है ये, आप देख सकते हो इसमें समझ में आ रहा है, इमेज थोड़ी सी डिमिनिश्ड है और इन्वर्टेड है, ठीक है। लाइट रेज असली में मिल रही है, मतलब रियल इमेज है। अगर अब आपका ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा है तो फिर से वही दो रेज कंसीडर करो आप, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई, एक पैरेलल से पास होती हुई, तो आपको जो इमेज मिल रही है वो एनलार्ज्ड है, इन्वर्टेड है। लाइट रेज असली में मिल रही है तो रियल है, राइट, और जो इमेज मिल रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड मिल रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के और आगे मिल रही है, राइट। अगर अब ऑब्जेक्ट, हाँ ठीक है भाई, हमने देखा इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रखा है। अगर अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखा है तो क्या होगा, फिर से वही दो रेज कंसीडर होंगी, पैरेलल वाली और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई, तो आप देखोगे कि इमेज मिल रही है सेंटर, दूसरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, राइट, सेंटर ऑफ कर्वेचर के सेकेंड साइड। लेकिन भाई मिरर ये क्या होता है लेंस के केस में, तो मिरर के केस में भी यही हो रहा था, लेंस के केस में भी यही है। इमेज की जो हाइट है वो सेम है, मतलब मैग्नीफिकेशन वन ही है, इमेज सेम साइज़ की है, इन्वर्टेड है, लेकिन तो नेगेटिव मैग्नीफिकेशन हो गया, और क्या है, और जो फॉर्मेशन हो रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हो रहा है। नाउ अब अगर इमेज फोकस पे रखी है तो क्या होगा, वही दो लाइट रेज कंसीडर करोगे, आप देखोगे ये रिफ्रैक्शन के बाद जो रिफ्रैक्टेड रेज हैं दोनों पैरेलल होंगी हैं, मतलब ये दोनों पैरेलल रेज जहाँ मीट करेंगी वहाँ इमेज बनेगी। तो पैरेलल रेज मीट कहाँ करती हैं, इन्फिनिटी पे मीट करती हैं,
राइट, इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, इन्वर्टेड होगी, वेरी वेरी इनलार्ज्ड होगी, ठीक है। नाउ अगर इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाए तो क्या होगा, आप देख सकते हो इमेज फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बाद बीच में आ जाएंगी तो रिफ्रैक्शन के बाद दोनों इमेजेस थोड़ी डाइवर्जिंग हो जाती है, दोनों मीट ही नहीं करती हैं। लेकिन जब उनको बैक ट्रैक करोगे तो जो आपकी आँख है, यहाँ पर अगर आदमी है कोई तो वो ऐसे बैक ट्रैक करेगा, वो तो इन दोनों इमेजेस को उसके उसके आँखों में तो यही दोनों रेस पहुँच रहेंगे, तो इन दोनों रेस को ऐसे पीछे लेगा तो उसको लगेगा कि भाई इमेज ये रेस यहाँ से आ रही हैं, ये रेस यहाँ से आ रही है तो ये इमेज फॉर्म हो गई है। लेकिन असली में रेज मिल रही है क्या? नहीं, तो ये इमेज होगी वर्चुअल इमेज, इरेक्ट है, इरेक्ट है तो वर्चुअल इमेज वैसी ही है, राइट, मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन है, ठीक है। तो ये हो गई इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, राइट, कॉन्वेक्स मतलब कन्वर्जिंग लेंस। अब डाइवर्जिंग लेंस की बात करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस होता है आपका कॉनकेव लेंस या डुअल कॉनकेव लेंस, ठीक है, दोनों सर्फेस कॉनकेव हैं। इसमें दो ही केस होंगे, एक अगर इन्फिनिटी से इमेज आ रही है तो दोनों डाइवर्ज हो रही होंगी तो ये फोकस पे मिल जाएंगी, तो ये इमेज फोकस पे फॉर्म हो रही है। सेकंड केस है आपका ये, अगर इमेज कहीं और है तो आप वही दो रेस दे दीजिए, एक बार पैरेलल, एक बार ऑप्टिकल सेंटर से पास होती हुई, तो आपको फिर से जब बैक ट्रैक करोगे इन रेस को तो फिर से आपको एक इमेज मिलेगी ए डैश बी डैश, राइट, ये आपकी इमेज हो गई है। ये भी देखिए, ये भी वर्चुअल इमेज है, रेज असली में मिल नहीं रही है, बस ऑब्जेक्ट जो जो ऑब्जर्वर है उसको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ से आ रही है तो वर्चुअल इमेज है, राइट। तो ये हो गया रे डायग्राम्स इन केस ऑफ डाइवर्जिंग लेंस। तो इस लेक्चर में हमने भाई रे डायग्राम जितने भी पॉसिबल थे वो देख लिए हैं। आपका ये है कि आप हर रे डायग्राम्स के करस्पॉन्डिंग आप चाहो तो लेंस फॉर्मूला लगा के फाइंड कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, और वो टेबल बना सकते हो अपने नोट्स में, राइट, जो उसमें बनी हुई थी। तो दिस विल बी अ गुड प्रैक्टिस फॉर यू। थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। तो नेक्स्ट वीडियो में मोस्ट प्रॉब्ली देखेंगे डिस्पर्शन ऑफ फोटोमेट्रीज, ऑप्टिक्स के लास्ट टॉपिक्स में से आएगा, राइट, कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट हो जाए। तो आपने अभी तक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, आपने आज ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स कंप्लीट कर दिया है, राइट, आपने रिफ्लेक्शन इन डिटेल और रिफ्रैक्शन इन डिटेल थ्रू कर्व्ड सर्फेसेस, थ्रू प्लेन सर्फेसेस, ठीक है, थ्रू स्फेरिकल सर्फेसेस आपने देख लिया है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।